हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इसने क्या कहा हमें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर है, उसका जो हाफ है वो कितना है, इज 36, ठीक है। और उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ में क्या बताया है, हुज लेंथ इज, जिसकी जो लंबाई है, इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो कि अपनी चौड़ाई से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ एक तरह से डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हिंदी में देखिए, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है इसकी। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि इम्प्रूवमेंट जो है क्लासों में मैं कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे साथ के साथ डाउट जो है वो पूछ लेंगे, ठीक है, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, मेरे को भी संतुष्टि हो जाती है। पर यहाँ ऑनलाइन में एज सच कोई इंटरेक्शन जो है वो हो नहीं पाता। मैं अपनी तरफ से बहुत स्लो स्लो और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप उसके लिए कोई कमी रह जाती है, तो उसके लिए आप एक बार थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि कहाँ कमी लग रही है आप लोगों को, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो है वही हमें क्या कर सकती है, अपने बेस्ट रिजल्ट्स आउटपुट की तरफ लेके जा सकती है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो इसने हमें डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वो हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे, उसे एज्यूम कर लेंगे। तो इंग्लिश में हम लिख रहे होंगे लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू, और ये हम मीटर में ले रहे होंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स, एंड द ब्रेथ या विड्थ हमें दिया हुआ है, एंड द विड्थ ऑफ गार्डन ये भी हम मीटर में लेंगे कितना, वाई। हिंदी में आप लोग लिख रहे होंगे, माना आयताकार भाग की लंबाई मीटर में बराबर है एक्स के, और आयताकार भाग की चौड़ाई जो है वो मीटर में है वाई के, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ हमने मान ली है। अब उसके बाद देखिए, पहली कंडीशन उसने दी थी हमें कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ हम क्या कह सकते हैं, जो x है ये क्या था हमारा लेंथ, ये ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, यानी कि लेंथ में से मैं ब्रेथ को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 बचना चाहिए, क्योंकि कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा उसने हमें कहा है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36, ये मीटर में ही मानना है हमने, ठीक है। अब पेरीमीटर का हाफ यानी कि ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल है, एक आयताकार है, तो उसका क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि x प्लस y, और हाफ है उसका तो ये 1/2 हो जाएगा। ये हमें कितना दिया हुआ है, 36, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन टेबल x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 के लिए देखिए, देखिए x को 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, माइनस 4, क्योंकि माइनस वाई 4 के इक्वल है, तो y जो है वो माइनस 4 के इक्वल होगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है माइनस 4, अगर y की वैल्यू 0 है तो x कितना है, प्लस 4, ठीक है। इसी तरह से सॉल्यूशन टेबल 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 क्या होगी हमारी, ये x है और ये y, x की जगह 0 रखा तो y 36 हो गया, और y की जगह 0 रखा है तो x डायरेक्टली कितना आ गया, 36, ठीक है। तो ये दोनों की सॉल्यूशन टेबल हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इससे ग्राफ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हालांकि उसने मेंशन नहीं किया कि किस तरीके से हम निकालें,
क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि ही हमें हमने जो है वो पढ़ी है, तो इसी विधि से, इसी मेथड से हम इसका सॉल्यूशन डायमेंशन जो है वो निकाल रहे होंगे। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 36 है। 36 बनाने के लिए काफ़ी बड़ा ग्राफ मतलब बनेगा हमारा, तो हम इसे क्या करते हैं, क्योंकि ये भी 4 के मल्टीपल हैं दोनों, ये भी दोनों 4 के मल्टीपल हैं, तो एक स्क्वेयर यूनिट जो है उसे हम 4 के इक्वल मान लेंगे। तो ये हमारा है ओरिजिन, ये 0 होगा, ये 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और आगे 40, ठीक है। यहाँ -4, -8, -12, यहाँ -4, -8, -12 होगा। इसी तरह से यहाँ हमारा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स जो है प्लॉट करने हैं। 0, -4, 0, -4 हमारा ये पॉइंट है और 4, 0 हमारा ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से अब ये दो पॉइंट है, इन्हें हम प्लॉट करते हैं। 0, 36 और 36, 0, इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये जो है पॉइंट, ये लगभग 20 और 16, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे कितने हैं, 20, 16 है। ठीक है, तो हमारे x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो, x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 20, और y की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 16। तो हमारा जो लेंथ है, लंबाई जो है वो कितनी होगी, 20, और ब्रेड्थ, विड्थ, चौड़ाई जो है वो कितनी होगी, 16। ठीक है, ये किस में आई है, मीटर में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ ये लिखना है अर्ध परिमाप, हिंदी में अर्ध परिमाप बराबर 36, और फिर सीधा यही। ठीक है, तो एक बार ग्राफ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये हमारा ग्राफ है, इस पर हमने फिर से 4, 8, मतलब 4 एक यूनिट जो है उसे 4 मान करके ये प्लॉट किया है। 4, 0 और -4, 0, इन दो पॉइंट से एक ये लाइन ड्रॉ की, जो कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है। 36, 0, 36 और 36, 0, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक ये लाइन ड्रॉ की, जो यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो 20, 16 है। तो x की वैल्यू जो है वो 20 और y की वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सॉरी 5th जो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line, coincident line. ठीक है, ये कह रहा है हमें एक linear equation जो है वो given है, जो कि ये है 2x + 3y - 8, हमें एक और equation लिखनी है जो कि दो variable में हो और linear हो। उसकी और इसकी जो equation हम लिखेंगे, उसकी और ये जो equation है इसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जब हम उसे ग्राफ पे बनाएं तो वो कैसी हो, पहले केस में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, दूसरे में वो दोनों पैरेलल लाइंस हो, तीसरे में वो कोइंसिडेंट हो, मतलब एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट, समपाती। ठीक है, हिंदी में, तो हिंदी में देखिए ये क्या कहते हैं। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हमें क्या करना है, एक और इक्वेशन लिखनी है जो क्या करे, इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करे, इसके पैरेलल हो और इससे कोइंसिडेंट। ठीक है,
हाँ तो देखिए, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी में प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, ठीक है। तो फोर इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमारी कंडीशन क्या थी, फोर इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी में आप लिखोगे रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हों इसके लिए कंडीशन जो है वो क्या होगी हमारी, इसके आगे आप लोग लिख रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन लिख रहा हूं मैं, क्या होगा हमारा, ए वन बाय ए टू जो है दैट इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू। हमने पीछे यही किया था, ये अगर लाइन इंटरसेक्ट, अगर ए वन बाय ए टू है नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू है तो उसे हमने क्या कहा था, इंटरसेक्टिंग। अब वो कह रहा है इंटरसेक्टिंग है तो हम क्या कहेंगे, ए वन बाय ए टू जो है वो बी वन बाय बी टू के इक्वल नहीं होगा। तो अब क्योंकि ए वन की वैल्यू यहाँ यहाँ कितनी गिवन है हमें, टू, और बी वन की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है हमें, थ्री, तो टू बाय नीचे हमें कुछ ऐसा लेना है जो कि बराबर ना हो थ्री बाय नीचे जो हम नंबर लेंगे उसके, तो टू बाय थ्री और थ्री बाय टू लिख लीजिए आप, क्योंकि ये हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सोच करके लिखेंगे इसे, ठीक है। सोचेंगे कैसे, बस यहाँ से ए वन देख लीजिए, यहाँ से ए टू, सॉरी बी वन, ए टू और बी टू हमें ऐसा लेना है कि उन दोनों का अनुपात, उन दोनों का रेशियो जो है वो बराबर ना आए, तो इसलिए मैं जो लाइन लिख रहा हूँ, देयरफोर वन ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्टिंग द गिवन इक्वेशन इज, हिंदी में इसलिए दी गई रेखा को प्रतिच्छेदित करने वाले बिंदु, प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा की समीकरण करने वाली एक रेखा की, बहुत सारी लाइन्स, देखिए एक लाइन है ये, इसे बहुत सारी लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक ये भी, ये भी, ये भी, इस तरह से भी, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन कर सकते हैं। इनमें से हम किसी एक लाइन की इक्वेशन लिख रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, वन ऑफ द इक्वेशन, इनमें से सिर्फ एक की, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन जो है वो लिख रहे हैं तो हम एक की बात करेंगे, वो क्या है, तो उसे मैं मान लेता हूँ 3x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए कारण हम जो देंगे, एज, इंग्लिश में आप एज लिखोगे और हिंदी में क्योंकि, क्या है, a1 वन बाय ए टू जो कि कितना है, सॉरी 2 बाय थ्री इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू जो कि कितना है। देखिए दो बटे तीन और तीन बटे दो, दो बराबर नहीं है, इसलिए क्योंकि ए वन बाय ए टू बराबर नहीं है बी वन बाय बी टू के, इसलिए ये क्या करेगी, इसे प्रतिच्छेदित करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा पार्ट वन का। पार्ट नंबर टू के लिए देखिए, अब सेकंड में दिया हुआ है पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं, ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस क्या होता है हमारा,
a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. रेखाएं समांतर हो, इसके लिए हमारी जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो क्या है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. therefore one of the equation, यहां पे हम लिखेंगे parallel to the given equation. इसलिए दी गई रेखा के समांतर एक रेखा की समीकरण जो है वो क्या होगी? अब देखिए, a1 by a2 is equal to b1 by b2 होना चाहिए और not equal to c1 by c2. तो देखिए, a1 by a2 यानी कि 2 by 2 मैं कर दूं ये 1 आएगा, और b1 by b2 यानी कि 3 by 3 मैं कर दूं तो भी ये 1 आएगा, ठीक है? और c1 by c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कितना आएगा, 1 is equal to 1 है, और इसे मैं -8 by +8 कर दूं तो ये कितना आएगा, -1. 1 और -1 क्योंकि बराबर नहीं होते, तो मेरी इक्वेशन जो वो क्या होगी, 2x plus 3y plus 8. ये वो लाइन है जो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है? तो मेरी इक्वेशन जो है उसे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2x plus 3y plus 8 is equal to 0. इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे 6 लिखिए, इन दोनों को काटने पे क्या आएगा, 1/2, इन दोनों को काटने पे क्या आएगा, 1/2, यहाँ पे 8 रख लीजिए तो यहाँ कितना आएगा, 1. कुछ भी इनफाइनाइट लाइन्स आप इसके पैरेलल लिख सकते हैं, ठीक है? तो तरीका मैंने आपको एक बार बता दिया है, उसके अलावा आप अपनी मर्जी की कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं. फिर आप रीजन जो दोगे, कारण क्योंकि, एज a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. क्यों? 1 by 2 is not equal to 1 by 2, sorry. 2 by 2 is equals to 3 by 3 is not equal to -8 by 8. ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब पार्ट नंबर 3 देखिए. पार्ट नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कोइंसिडेंट लाइंस. संपाती रेखाएं, 4 कोइंसिडेंट लाइंस रेखाएं संपाती हों, इसके लिए कंडीशन जो है वो क्या है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. वन ऑफ द इक्वेशन कोइंसिडेंट यहाँ पे आएगा विद, कोइंसिडेंट विद द गिवन इक्वेशन इज, आगे हम लिख रहे होंगे भाई, ठीक है? इसलिए दी गई रेखा के संपाती रेखा से संपाती एक रेखा की समीकरण जो है वो होगी, वो क्या होगी कि तीनों का रेशियो जो है बराबर आए. अब देखिए, ये हमने -8 लिया था, इसे -8 ले लें, माइनस से माइनस कटेगा, ये भी 1 आया था, ये भी 1 आया था, और ये भी 1 आ जाएगा. तीनों बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएंगी, संपाती, ठीक है? तो इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी हमारी, या फिर आप क्या कीजिए, इसे 4 कर लीजिए, इसे 6 कर लीजिए, और इसे -16 कर लीजिए, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये भी 1/2, ठीक है? आप कुछ भी कर सकते हैं. तो इसे मैं लिख रहा हूँ 4x plus 6y minus 16 is equals to 0. ये हमारी लाइन जो है वो इसके संपाती है, कोइंसिडेंट है. तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ, ठीक है? तो पार्ट नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है. अब बचता हमारा लास्ट क्वेश्चन, पार्ट क्वेश्चन नंबर 7. अब देखिए हम वो करेंगे, आप देख लीजिए ये 0 है लास्ट में, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन. देखिए ये कह रहा है हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमें दी है इसके हम क्या करेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे इसे और इस लाइन को भी. मान लीजिए कि एक लाइन ये आई है हमारी, एक लाइन ये आई है और ये हमारे कुछ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है. ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. फिर ये कह रहा है कि हमें एक कोऑर्डिनेट निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं किसके, ट्रायंगल के. देखिए ट्रायंगल कौन सा बना है, ये कह रहा है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन दो लाइनों से और एक्स एक्सिस से. ठीक है, तो ये दो लाइन है इनसे और एक्स एक्सिस, इस लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच में ये है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक्स एक्सिस का ये पोर्शन है, दोनों लाइन इस लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच में दूसरी लाइन का ये पोर्शन है, तो ये हमारा ट्रायंगल बना है. तो हमें क्या बताने हैं, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक भी बताने हैं. ठीक है, और जो हमारा ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसे हमें शेड करना है, मतलब इस तरह से उसे हम शेड कर देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन है. तो हिंदी में देखिए ये क्या कहता है, समीकरणों एक्स माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो और तीन एक्स जमा दो वाई माइनस बारह बराबर जीरो का ग्राफ खींचिए. एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए. ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, मतलब फाइनल हमारा ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन हमें दी है इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल से उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमें लाइन मिलेंगी, लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया को हम शेड कर देंगे. तो सॉल्यूशन देखिए, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन बराबर माइनस एक. इसके लिए जो टेबल बनेगी, फोर टेबल जो है ये होगी हमारी. देखिए एक्स को मैं जीरो रखता हूँ, क्या बचा, माइनस वाई बराबर माइनस वन. माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन. अब वाई को मैं जीरो पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है डायरेक्टली, माइनस वन. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन टेबल हमारी इसके लिए बनी. एंड दिया हुआ हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो, फोर यहाँ के लिए लिख लीजिए, हिंदी में आप लोग इसे लिख रहे होंगे. ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ ये रहेगा और हिंदी में ये रहेगा, फोर 3x प्लस 2y, ये 12 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव होगा, हिंदी में आप लोग ये लिख रहे होंगे. ठीक है, जो हमारी टेबल बनेगी वो ये होगी, x की वैल्यू को जीरो रखते ये पूरा जीरो और y 2y इज इक्वल्स टू 12 है तो y क्या होगा, 12 बाई 2 कितना होता है 6, यानी कि x को जीरो रखने पे y की वैल्यू 6 आ रही है. y को जीरो रखा तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 बाई 3, तो 12 बाई 3 कितना होता है 4. हमने क्या किया है, इसे टेबल बना लिए. टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. तो देखिए हमें 1 माइनस 1 6 और 4, तो 6 मैक्सिमम नंबर है और 6 तक हम ग्राफ पे आराम से इजीली प्लॉट कर पाएंगे. तो 1 1 का ही गैप ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये जीरो हमारा -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. इसे प्लॉट करते हैं, पहला जो पॉइंट हमारा वो है 0,1. तो 0,1 जो है वो ये पॉइंट होगा हमारा. ठीक है, और हमारा दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू -1 और y की 0
वो ये पॉइंट होगा हमारा। तो इन दोनों पॉइंट से हमारी जो लाइन बनेगी वो ये होगी, ठीक है। दूसरी लाइन इससे मिलेगी हमें 0.6 पॉइंट, 0.6 जो है वो ये पॉइंट है और 0.6 हमारा ये पॉइंट है और 4.0 हमारा ये पॉइंट है। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। हम इसे क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक्स एक्सिस के साथ लाइन का ये, एक्स एक्सिस के साथ दूसरी लाइन का ये, इनके बीच में जो ट्रायंगल बना है वो ये है, ठीक है। इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, ये 2 और ये 3। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2.3 इस पॉइंट के, इसके क्या होंगे 1.0 और इसके क्या होंगे 4.0। तो हमने इसके क्या बता दिए भाई, कोऑर्डिनेट्स बता दिए जो उसने हमसे पूछा था, और उसके बाद उसने कहा हमें शेड कर दीजिए इसे, तो हम इसे शेड कर देंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। एक बार ग्राफ पे मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ इसे, देखिए ये हमारा ग्राफ है इस क्वेश्चन के लिए। 1.1 का ही गैप है यहाँ, तो -1 और 0.1 इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी, 0.6 और 4.0 को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे यहाँ 2.3 पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2.3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1.0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4.0, इनके बीच में हमारा ये ट्रायंगल बना है, इसे हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। अब अगली क्लास में हम जो हमारा अगला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि 3.2 में सब्स्टिट्यूशन, 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, पहले इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कैसे काम करता है उसे देखेंगे, और उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर रहे होंगे हम। तो हम ट्राई करेंगे कि 2 या 3 दिन में हम ये एक्सरसाइज भी जो है कम्प्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहिए भाई।